डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे दिग्विजय चौटाला ने इन दिनों कैंपेन में पूरी ताकत झोंक रखी है। हल्के के गांव-गांव का दौरा कर रहे चौटाला ने आगामी चुनाव में जजपा की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चाबी से ही ताला खुलता है, इसलिए चंडीगढ़ का ताला जेजेपी की ही चाबी से खुलेगा। चौटाला ने कांग्रेस में जारी अंदरूनी घमासान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में आपस में ही लड़ लड़ कर खत्म हो जाएगी, उसका कोई भविष्य नहीं है। जेजेपी की ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है, अच्छे निर्णायक मजबूत मेहनती कैंडिडेट्स को पार्टी टिकट देगी, मुझे पूरा भरोसा है, और जो जिताऊ होंगे उनको देगी। हम ज्यादा जीत के आएंगे और चाबी से ही ताला खुलता है, चाबी से ही चंडीगढ़ खुलेगा। इस बार गठबंधन हुआ, कितना बेनिफिट? बहुत बेनिफिट होगा। आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी, ये मजबूत संगठन है और इसका हमें पूरा फायदा। दो तारीख को कांग्रेस और बीजेपी का लगातार मंथन चल रहा है दिल्ली में, जो कोर कमेटी की बैठक है। जब तक उनका मंथन चलेगा हम तो बहुत आगे जा लेंगे। मंथन पे रह जाएंगे। यहाँ डबाली में तो कुछ नहीं बचना, कुछ बचना है क्या बता दो आप? यहाँ तब तक तो ये वो परिवार हैं जो सारे के सारे पहले कांग्रेस में थे, कभी इस मोदी गांव के अंदर वो सारे ही लोग जो कांग्रेस में थे आज इससे पिछले प्रोग्राम में सब लोग ज्वाइन कर गए। मेरे हिसाब से ऐसा ही चारों तरफ है, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ छोड़ जो है लोग भाग रहे हैं और जननायक जनता पार्टी का हिस्सा। कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा है, उनका कहना था कि सीएम कैंडिडेट को लड़ना चाहिए, दलित की बेटी चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है किसी को? हम तो मना ही नहीं करते, अच्छी बात है। उनको रोकने वाला कौन है वो आदमी का पता लगाओ। बाबरिया साहब का बयान था कि किसी भी एमपी को टिकट, बाबरिया जाने, शैलजा जी जाने और हुड्डा साहब जाने, हम क्या जाने उनका। क्या भविष्य के मानते हैं कांग्रेस का भविष्य आपस में लड़ लड़के कांग्रेस खत्म हो जाएगी और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस जो एंटी मोदी वेव थी उस पे तिर गई हरियाणा में, अब कांग्रेस का कुछ नहीं। वहीं बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए दिग्विजय ने कहा कि उसे चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जनता उसे माफ नहीं करेगी। बीजेपी की स्थिति अब वही है जो बीजेपी की होनी चाहिए। बीजेपी की स्थिति, बीजेपी ने पिछली बार हमें मिसगाइड कर करके अपने साथ लिया, वो अपनी बातों पे स्टैंड नहीं कर पाई, हमारे साथ धोखा किया, और हमारे साथ तो क्या धोखा किया, हम तो फिर वही चले जाएंगे, संघर्ष करेंगे, मगर जनता के साथ जो धोखा किया, 5100 पेंशन नहीं की और मुद्दों को पूरा नहीं किया, जनता इन चीजों को माफ नहीं करेगी। 14 में 47 थी, 19 में 40 रहेगी बीजेपी टिकट, अब 24 में क्या, तो आधी आधी होती जा रही है, देख लो आगे कहां जाएगी। बता दें कि कभी चौटाला परिवार का गढ़ रहे डबवाली सीट से दिग्विजय चौटाला इस बार अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। अभी तक 2 चुनाव लड़ चुके चौटाला को एक में भी जीत नसीब नहीं हुई, ऐसे में उनकी कोशिश में अपने पिता और मां की जीती हुई सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव पहुंचने की है। अब इसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।